आप देख रहे ए टू जेड होम्स डिजाइनिंग। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होम्स प्लान की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं प्लान लेकर आया हूँ जिसका साइज है 15x30। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, इसमें आपको बेसमेंट प्लान मिलेगा, उसके ऊपर आपको शॉप प्लान मिलेगा, उसके ऊपर 2 BHK हाउस प्लान कम्प्लीट मिलेगा। अब मैं आपको इसकी 3D पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से प्लान मिलता है आपको। फ्रंट इसका 15 फिट दिया है, लंबाई इसकी 30 फिट दी है, देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको बेसमेंट प्लान मिलता है, कंप्लीट आपका पूरा प्लान बना हुआ है, देख सकते हैं। बेसमेंट में शॉप मिलती है, उसके ऊपर आपको शॉप मिलती है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रहने के लिए मकान मिलता है। अगर आपका किसी अदर साइज का प्लॉट है तो हमारे चैनल पे आके यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप काफ़ी प्लान मिल जाएंगे अदर अदर साइज के। अगर आप चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो बढ़ते अपने प्लान की ओर। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसमेंट की। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसमेंट रोड से 4 फिट नीचा है और 5 फिट ऊँचा है। कुछ इस तरीके से इसकी हाइट दी मैंने, देख सकते हैं रोड लेवल से आपका 4 फिट नीचे दिया है और 5 फिट ऊँचा दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको सीढ़ियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाता है, यहाँ पे आपको सामान रखने के लिए स्पेस मिल जाता है, देख सकते हैं। यहाँ पे आराम शटर वगैरह खोल सकते हैं आप, आ जा सकते हैं। ये 6 फिट स्पेस मैंने यूज किया है यहाँ पे सीढ़ियों में, ये 6 फिट स्पेस यूज किया मैंने। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको शटर मिल जाता है। शटर से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिख जाता है। शटर से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको पूरी दुकान दिख जाती है, देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको दुकान मिल जाती है जिसका मैंने साइज दिया हुआ है 15x23। ये 15x23 की आपको दुकान मिलती है, देख सकते हैं 15x23 की आपको बेसमेंट में दुकान मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको जीना मिल जाता है ऊपर जाने के लिए। ये 4 फिट का आपका जीना दिया हुआ है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 फिट का छज्जा मिल जाता है, ये छज्जा आपका 3 फिट का निकला हुआ है, आराम से आप आ जा सकते हैं। इस सीढ़ियों का साइज मैंने कुछ इस तरीके से रखा है, ये पैर रखने वाला आपका 9 इंच का, इसकी हाइट मैंने 8 इंच दी। कुछ इस तरीके सीढ़ियों का साइज दिया हुआ है, ये आपकी कंप्लीट सीढ़ियाँ बनी हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एंट्री गेट दिखता है और यहाँ पे आपको एक शटर मिल जाता है। ये गेट आपका 2.5 फिट का लगा हुआ है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिख जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद कुछ इस तरीके से आपको जीना दिख जाता है। ये 2.5 फिट का आपका जीना बना हुआ है। अगर आप 3 फिट का बनाना चाहें 3 फिट का भी बना सकते हैं, यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है, देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपका कंप्लीट जीना बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपको शटर मिल जाता है। शटर से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको दुकान दिख जाती है पूरी, यहाँ पे आपको पूरी कंप्लीट दुकान दिख जाती है जिसका मैंने साइज दिया हुआ है 15x23। ये 15x23 की आपको दुकान मिल जाती है, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 फिट का छज्जा भी दिया गया है कुछ इस तरीके से, 15x23 की आपको दुकान मिल जाती है। अब बात करते ऊपर के प्लान को, जीने से आपको ऊपर आना, ऊपर आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिख जाता है। जीने से आप कुछ इस तरीके से ऊपर आएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे जीने से आप कुछ इस तरीके से ऊपर आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको हॉल मिल जाता है, 8x8 का यहाँ पे आपको हॉल मिल जाता है आपको, देख सकते हैं 8x8। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी मिल जाती है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेंगे तो यहाँ पे आपको एक मास्टर बेडरूम मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एंट्री गेट दिया गया है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेंगे तो यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम अटैच मिल जाएगी, देख सकते हैं, क्योंकि आप कंबाइंड बनी हुई है। इस लैट्रिन बाथरूम का मैंने साइज रखा हुआ है 4x7। 4x7 की यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड मिलती है, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको रूम अच्छा खासा मिल जाता है। इस रूम का मैंने साइज दिया हुआ है 10x11। ये 10x11 का आपका रूम बना हुआ है, देख सकते हैं 10x11 का आपका मास्टर बेडरूम बना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको ओपन किचन मिल जाती है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको ओपन किचन मिल जाती है। यहाँ पे आपको 4 फिट स्पेस यूज किया है किचन बनाने में, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपकी किचन बनी हुई है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एंट्री गेट मिलता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेंगे तो रोड साइड से आपको एक बेडरूम मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं वेंटिलेशन की आपको विंडो भी उपलब्ध कराई गई है। यहाँ पे आपको बालकनी में आने जाने के लिए एंट्री गेट भी दिया हुआ है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एंट्री गेट दिया है। ये छज्जा आपका 3 फिट का निकला हुआ है, यहाँ पे आपको 3 फिट की बालकनी मिल जाती है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। इस रूम का मैंने साइज रखा हुआ है 9x10। ये 9x10 का आपका रूम बना हुआ है,
9 by 10। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आपको जीने के नीचे अगर आप स्टोर रूम बनाना चाहते हैं स्टोर रूम भी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से जीना दिख जाता है, ये आपका कंप्लीट जीना बना हुआ। ऊपर जाने के लिए 2.5 फिट का जीना दिया हुआ है, ये 2.5 फिट का जीना दिया कुछ इस तरीके से। जीने की सीढ़ियों की साइज मैंने नॉर्मल रखा हुआ है, ये पैर रखने वाला आपका 9 इंच का, इसकी हाइट मैंने 8 इंच दी, कुछ इस तरीके सीढ़ियों का साइज दिया हुआ है। जीने नीचे यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2 BHK हाउस प्लान पूरा कंप्लीट मिलता है। अब बात करते हैं फ्रंट के एलिवेशन की, वाटिया की फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, काफ़ी बेहतरीन लुक लग रहा है। 15x30 में कंप्लीट अटी आपकी कुछ इस तरीके से बनी हुई है। यहाँ पे आपको जाल भी दिया गया है जो कि आपके किचन के पर्पज से दिया हुआ है। ऊपर वाला भी छज्जा आपका 3 फिट का निकला है, नीचे वाला भी छज्जा आपका 3 फिट का निकला हुआ है, देख सकते हैं फ्रंट एलिवेशन आप। उम्मीद करता हूँ आज का प्लान आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आज का प्लान पसंद आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने धन्यवाद।